फ्रेंड्स, मैं शोभा पाठक, शोभा फ्रेश किचन में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम अरहर दाल का हम तड़का बना रहे हैं, वो भी मटर डाल के, मटर दाल तड़का बना रहे हैं। सो आप देखिए, इसको हम धो के ले लिए हैं। ये भिगाना नहीं है, अभी धो के ले लिए हैं इसको। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम दो सीटी लगा देंगे इसको, हम नमक और हल्दी डाल के इसको दो सीटी पका देंगे। ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, दाल को खड़ा ही रखना है इसमें। तो चलिए हम इसको हम दो सीटी लगा के पका लेते हैं। अब इसमें हम ये अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिए और हल्दी। पानी डाल के हम पका लेते हैं। बार बार हम बोल रहे हैं दाल को खड़ा ही रखना है इसमें। एक बार दाल में आप दो बूंद तेल डाल दें तो पानी नहीं निकलेगा ऊपर से इसका। अब हम कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं और इसमें हम दो चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें हम जीरा साबुत थोड़ा सा सरसों साबुत मिर्च अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। अब इसमें हम करी पत्ता डाल देते हैं, आप तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। प्याज भून चुका है, ज़्यादा लाल नहीं करना है मुझे। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे एक चम्मच। इसमें हल्का सा हम हल्दी डालेंगे, दाल में तो डला हुआ है, और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर। बस मसाला इतना ही डालना है। अब इसमें हम ये मटर को डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक, दाल में नमक है ही। और इसको हम गैस कम करके थोड़ी देर हम भून लेंगे। अब इसमें ये बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। और ये साबुत हरी मिर्च लंबा लंबा काट के हम डाल दिए हैं। देखिए मटर पकने तक हम पका लिए हैं, आप भी इसी तरह करें। अब इसमें हम दाल को डाल देंगे। देखिए दाल एकदम खरा खरा है। देखिए ये दाल बनाइए, देखिए इसमें सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सबको पसंद आएगा। बस थोड़ा सा उबल जाए उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है दाल। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। अब बन गया है, हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं। अब गैस को बंद करते हैं, अब हम सर्व कर लेते हैं। इसमें हम सर्व कर देते हैं। अब
अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। और ये बस गार्निश के लिए धनिया पत्ता। चलिए आप लोग खाइए और बना के खाइए, और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए।